यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे कैन पढ़ा था पिछले वीडियो में, कैन का अर्थ सकना होता है, मे का अर्थ भी सकना होता है। मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग दोनों सकना के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कैन का प्रयोग शारीरिक या मानसिक शक्ति या क्षमता के लिए और मे का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ समझ लेते हैं। पहला अर्थ संभावना, ये वो वाला अर्थ है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मे का अर्थ संभावना प्रकट करता है, यही पढ़ाया जाता है। मे का अर्थ संभावना प्रकट करता है, जैसे आज बारिश हो सकती है, पिताजी ऑफिस जा सकते हैं, आज स्कूल की छुट्टी हो सकती है, आज दिन गर्म हो सकता है, आज मेहमान आ सकते हैं, ये सब संभावनाएं बता रहे हैं वाक्य। और जिस वाक्य में संभावना का बोध होता है वहां पर वर्ब मे का प्रयोग करना चाहिए। पहले इसमें लिखे रूल समझते हैं, फिर अपनी बात आगे करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं मे का अर्थ भी सकना होता है, बिल्कुल कैन की तरह इसका अर्थ भी सकना होता है। इसका प्रयोग संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, संभावना, पॉसिबिलिटी, किसी के किसी काम के होने की संभावना हो तो वहां पर क्या लगाओगे, मे लगाओगे। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। मे का प्रयोग, मे का पास्ट माइट रहता है, तो मे का प्रयोग जब भी आप करेंगे प्रेजेंट में करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझ लेते हैं, यह समाचार गलत हो सकता, गलत होने की संभावना है, ठीक है, गलत हो सकता। इस सकना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। दिस न्यूज, दिस न्यूज मे बी क्लियर हुआ। सेकंड पे अपना दिमाग लगाओ। दूसरा वाक्य कैसे बनना चाहिए, रेलगाड़ी लेट हो सकती है, लेट का मतलब समझते होगे, देर से आ सकती है, रेलगाड़ी लेट हो सकती है, द ट्रेन मे लेट, बहुत सुंदर। अगला सेंटेंस भी आपको ही करना है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन, गजब जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हो। रूल नंबर सेकंड, ऐसे करते चले जाओ। आज मेहमान आ सकते हैं, क्या बनाओगे, आज मेहमान आ सकते हैं, गेस्ट्स मे कम टुडे। दूसरा रूल, आज्ञा लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता, आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए कैन का प्रयोग। कल की क्लास में पढ़ रहे थे, आज्ञा परमिशन ग्रांट करना है तो कैन लगाओ, परमिशन लेना है तो मे लगाओ, ठीक है। आज्ञा लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्या मैं अपनी गाड़ी यहां खड़ी कर सकता हूं, मे आई पार्क माई बाइक हियर, हो जाएगा ऐसे करके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे, ये तो रटा रटाया है, स्टूडेंट बोलते ही हैं, मे आई कम इन, मीन्स अंदर, इन मीन्स, हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या हम यहां ठहर सकते हैं, मे बी स्टे या, मे बी स्टे या, क्वेश्चन मार्क लगा।
अगला और तीसरा नियम क्या कह रहा है? ईश्वर से प्रार्थना, और प्रार्थना काय के लिए करनी है? प्रार्थना का मतलब ईश्वर से अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, भगवान करे ये अभी मर जाए ऐसी इच्छा व्यक्त करनी है, भगवान करे आप पास हो जाओ, ठीक है, ऐसी इच्छा करनी है भगवान से, ईश्वर से इच्छा व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। ईश्वर से अगर प्रार्थना करनी है, इच्छा व्यक्त करनी है, तो मे का प्रयोग करिएगा। अगला रूल कह रहा है भगवान करे तुम पास हो जाओ, क्या बनेगा? मे यू पास, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। भगवान करे मे यू पास, भगवान करे आप, हाँ भगवान इसमें मे में आ गए हैं, तभी तो बकरी मे करती है, वो भगवान को बुलाती है चलो भगवान करे तुम पास हो जाओ, मे यू पास, बस हो गया। दूसरा वाक्य, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, मे यू, बहुत सुंदर, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी उम्र जियो, समझ में आ रहा? अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला और चौथा नियम क्या कह रहा है? नियम बोल रहा है उद्देश्य प्रकट करने के लिए दूसरी क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन तब आती है जब दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज सो दैट से जुड़ी होती हैं, जैसे कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि, इसलिए ताकि पास हो सके, वी स्टडी बाई, वी स्टडी सो दैट, इससे जोड़ा जाएगा वाक्य, वी स्टडी सो दैट बी में पास, ठीक है, इस तरह से। दूसरा वाक्य, वह यहां इसलिए आई ताकि मुझसे मिल सके, सी केम या सो दैट सी मे सी मी, सो दैट सी मे सी मी, ताकि वो मुझसे मिल सके इसलिए आई, ठीक है। एक और यूज मे का समझते हैं, वो होता है अतीत की संभावना प्रकट करने के लिए, पास्ट में पॉसिबिलिटी रही हो, जैसे कि हमने बोल दिया, एग्जांपल ये लिखा है, आपने अशोक का नाम सुना होगा, यू मे हैव हियर्ड अबाउट अशोक, यू मे हैव हियर्ड अबाउट अशोक और अशोका, ठीक, एक ही बात है, यू मे हैव हियर्ड अबाउट अशोक, आपने वह कहानी अवश्य पढ़ी होगी, इस तरह से बोल दिया, यू मे हैव रीड दैट स्टोरी सियाली, ठीक है। तो इस तरह से ये मे का यूज पूरा हो रहा है।